हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑटोटेक इन्फो। मैं हूं आदित्य और जैसा कि आप सब जानते हो कि फेस्टिव सीजन्स आ रहे हैं, जैसा कि अभी नवरात्रे थे एंड अब दिवाली आने वाली है। तो यहां पर जैसे कि मोटरसाइकिल्स के अंदर में कंपनी नए नए कलर्स लाती जा रही है एंड नए नए अपडेट्स करती जा रही है। तो आज की इस वीडियो में अपने पास है TVS Ronin 225, जो कि अगर आप देखो तो यहां पर आपको नया स्पेशल एडिशन इसके अंदर मिल जाएगा, जो कि आपको नए कलर्स यहाँ पर इसके अंदर मिलेंगे एंड और भी आपको अपडेट्स मिलते हैं। सबके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि TVS Ronin के अंदर में क्या कुछ नए आपको अपडेट मिलेंगे, कितनी आपके लिए सही रहने वाली है, क्या प्राइस मिलती है, क्या इंजन डिटेल है, क्या स्पेसिफिकेशन है, ओवरऑल सारी की सारी डिटेल आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर आपको TVS Ronin के अंदर में कितने वेरिएंट्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको टोटल 5 वेरिएंट मिलेंगे। अपने पास है टॉप मॉडल जो कि TVS Ronin के अंदर में आपको मिलता है TD स्पेशल एडिशन। अब मैं आपको बता दूँ तो बेस वेरिएंट के अंदर में आपको SS जो मिलता है उसमें आपको एक ब्लैक कलर आता है जिसमें आपको कोई ग्राफिक्स वगैरह नहीं मिलते हैं, सिंगल चैनल ABS के अंदर में आता है। एंड फिर आपको मिलता है एक मैग्ना रेड कलर, उसमें भी आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है। फिर आपको मिलता है DS यानी कि उसके अंदर में आपको डुअल टोन कलर स्कीम मिल जाती है। एंड फिर आपको मिलता है TD जिसमें आपको डुअल चैनल ABS एंड ट्रिपल टोन कलर देखने को मिलेगा। एंड अपने पास है स्पेशल एडिशन, इसमें आपको डुअल चैनल ABS मिलता है एंड यहाँ पर आपको ये कलर कुछ ऐसा ये नया देखने को मिलता है। स्पेशल एडिशन के अंदर वैसे तो आपको 2 कलर मिलेंगे लेकिन ये वाला जो कलर ये बिल्कुल नया आपको मिलता है। तो सबसे पहले आपको इसकी की दिखा दूँ तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसी कीज मिल जाती है, वेव कीज जो कंपनी ने प्रोवाइड कर रखी हैं एंड काफ़ी अच्छा खासा इनमें आपको वजन नहीं मिलेगा एंड वेव कीज मिलती हैं जो कि सेफ्टी के पर्पज़ में काफ़ी अच्छी मानी जाती है। अब मैं इनको यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ फिर इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पर हेड का जो डिज़ाइन है वो कैसा आपको मिल रहा है। तो सबसे पहले अगर आप चेकआउट करिए तो यहाँ पर आपको फुल जो है LED हेडलैम्प मिल जाता है इस बाइक के अंदर में। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो DRL आपको सेंटर में दे रखी है जो कि टी टाइप की मिलती है एंड काफ़ी अच्छी तरीके से विजिबल भी रहने वाली है। इस तरफ अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको हैजर्ड्स मिल जाते हैं LED के अंदर में जो कि काफ़ी अच्छा थ्रो आपको देते हैं। फ्रंट में यहाँ पर आपको टिंटेड विंडशील्ड मिल जाती है, यहाँ पर TVS को मेंशन कर रखा है एंड ये एसेसरी का पार्ट नहीं है, ये आपको स्टैंडर्ड मिलेगा इसके अंदर में। आप बेस ब्रांड से भी लेके यहाँ तक आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। बाकी अगर आप देखो तो ये कलर आपको कैसा लग रहा है, यहाँ से अगर आप देखो तो ये मिडनाइट ब्लू कलर है, ये थोड़ा सा स्पार्कल टाइप का। मैं आपको पास से दिखाऊँ, हो सकता है आपको कैमरे में ना दिख रहा हो लेकिन ये आपको थोड़ी सी ग्रीन फिनिश भी देता है एंड ये अगर आप दूर से देखोगे ना तो थोड़ा सा ब्लैक फिनिश भी देता है। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका का कलर लग रहा है देखने में। यहाँ पर नियॉन आपको फिनिश मिलेगी, यहाँ पर ग्रे एंड यहाँ पर थोड़ा बहुत ग्राफिक्स मिलता है एंड यहाँ पर आपको सिल्वर फिनिश भी देखने को मिलती है। ऑलमोस्ट यहाँ पर आपको 14 लीटर्स का जो है फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर TVS का आपको लोगो मिलता है क्रोम के साथ में। इस तरफ ये बाइक E20 कंपेटेबल रहने वाली है जो कि लेटेस्ट मॉडल है, E20 सभी बाइक को मिलता है तो वो चीज़ यहाँ पर भी मिलेगी एंड ये स्पेशल एडिशन है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये चीज़ें मतलब आप पहले तो देखो ये चीज़ें आपको टैंक मिल रही है एंड नीचे की तरफ जो साइड बॉक्स है इसके ऊपर में भी आपको यहाँ पर Ronin लिखा हुआ मिलता है एंड वही ट्रिपल टोन जो कलर है ये आपको यहाँ पर भी मिलता है। बाकी यहाँ पर तो सिल्वर फिनिश वगैरह मिल जाता है और TVS यहाँ पर इंजन में लिखा है ये आपको शाइनी यानी कि थोड़ा बहुत क्रोम के टचअप के साथ में मिलता है एंड ब्रश फिनिश यहाँ पर आपको इसके ऊपर में मिलती है। बाकी इंजन आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ ऐसा है। फ्रंट की बात कर लें अगर हम लोग तो यहाँ पर आपको 300 mm की डिस्क ब्रेक मिलती है 300 mm की जो कि काफ़ी अच्छी है और उसी के साथ ही साथ यहाँ पर आपको गोल्डन कलर के जो है USD सस्पेंशन मिलते हैं। अब जैसा कि आप इसके बेस वेरिएंट को परचेज करोगे तो वहाँ पर आपको ब्लैक कलर के मिलते हैं सस्पेंशन USD। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको मतलब गोल्डन कलर के अच्छे लगते हैं ज़्यादा कि ब्लैक कलर के अच्छे लगते हैं, वो आप अपने पसंद के हिसाब से चूज़ कर सकते हो। बाकी यहाँ पर आपको डुअल चैनल ABS मिलता है यानी कि आगे भी ABS है एंड पीछे भी ABS मिलेगा, ये चीज़ आपको डुअल चैनल इसमें मिलती है। साथ ही साथ मैं आपको टायर प्रोफाइल अगर चेकआउट करा दूँ तो यहाँ पर आपको मिलने वाली है इसके अंदर में फ्रंट में यहाँ पर आपको 110/70 सेक्शन का टायर मिलता है 17 इंचेस के कुछ ऐसे एलॉय व्हील के साथ में जिनका पैटर्न आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो एंड यहाँ पर आपको डायमंड कट डिज़ाइन भी मिल जाती है। तो काफ़ी प्रीमियम चीज़ें यहाँ पर यूज़ करी गई हैं एंड ये अगर आप देखो इसका फेंडर ही आपको देखने को मिल जाता है, जो मड गार्ड ये आपको फाइबर के अंदर में देखने को मिलता है एंड इसकी फिट एंड फिनिश अगर आप देखोगे ना तो इतनी ज़बरदस्त दे रखी है TVS ने, क्या ही कहने। आप देख सकते हो यहाँ पर ये फाइबर बॉडी है लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ ना तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की जो है फाइबर दे रखी है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, काफ़ी मजबूती से फिट एंड फिनिश भी मिलती है एंड यहाँ पर आपकी नंबर प्लेट जो है इंस्टॉल होने वाली है। इस तरफ अगर आप देखो तो एक छोटा सा आपको रेडिएटर मिल जाता है एंड यहाँ पर जो इंजन काउल है जो कि आप देख सकते हो ब्लैक के अंदर मिलेगा एंड सिंगल हॉर्न इस तरफ दे रखा है। तो मतलब ये चीज़ें जो है आपको आगे से ऑफर करती है ये बाइक एंड जो आपको सबसे अग्रेसिव पार्ट यहाँ से लग रहा होगा ना वो है इसके साइड मिरर्स, जो कि अगर आप देखो तो ये
ज़्यादा बड़े नहीं है, ठीक ठाक आपको साइज़ के मिलेंगे, लेकिन अगर आप देखो तो ये मतलब काफ़ी प्रीमियम है। एंड आपको कुछ ऐसे शेप के मिलते हैं, तो एक थोड़ा सा हार्ट के डिज़ाइन यहाँ पर आपको मिल जाता है। बैक की तरफ हम लोग आएंगे तो टेल सेक्शन इस बाइक की जो है काफ़ी अच्छी लगती है देखने में, एंड कुछ डिफरेंट लुक आपको देती है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो इसके जो टेल लैंप है आपको DRL टाइप की डिज़ाइन के साथ में मिलती है। इस तरफ अगर आप देखो तो TVS 3D में लिखा मिलता है, ब्लैक फेंडर मिलेगा और जो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मिलता है। एंड टर्न इंडिकेटर यहाँ पर आपको LED के अंदर में मिल जाते हैं। नंबर प्लेट की लाइट आपको LED के अंदर मिलती है, रिफ्लेक्टर्स आपको मिलते हैं, एंड यहाँ पर भी आपको रिफ्लेक्टर जो है कंपनी ने प्रोवाइड कर रखा है। बाकी पीछे की तरफ पकड़ के बैठने के लिए ग्रैब रेल दी है जो कि मेटल के अंदर में, जिसको आप बड़े कंफर्टेबल पकड़ के बैठ सकते हो पीछे के लिए। तो मतलब कंफर्ट की चीज़ें भी यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। एक क्रूजर टाइप का जो यहाँ पर लुक है वो भी आपको मिलता है बाइक के अंदर में, एंड रियर से आप प्रॉपर लुक जो है इस बाइक की चेकआउट कर सकते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको और दिखा दूँ, जो इसका एग्जॉस्ट है इसके ऊपर में जो आपको मफलर मिलता है, ये आपको ये जो स्पेशल एडिशन है टॉप मॉडल इसके अंदर में ब्लैक मिलता है। एंड जो इससे नीचे वाले वेरिएंट जो आते हैं जैसे कि SS हो गए, DS हो गए, वहाँ पर आपको ये क्रोम के फिनिश के अंदर मिलता है। अब जैसा कि अगर आप देखो तो इस कलर के साथ में जो ये ब्लैक है ना, ये ज़्यादा मुझे बेटर लग रहा है। आप अगर देखो तो ये ब्लैक कलर के साथ में काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी यहाँ पर आपको मड फ्लैप मिल जाता है, रियर में आपको 240 mm की जो है डिस्क ब्रेक कंपनी प्रोवाइड करती है। एंड अगर मैं आपको दिखाऊँ तो रियर में आपको 130/70 सेक्शन का टायर मिलता है 17 inches के, वही डायमंड कट वाले अलॉय व्हील के साथ में। यहाँ पर ग्राफिक्स भी मिल जाता है जो कि सेम इस नियॉन कलर के साथ में मिलता है। एंड रियर में आपको 7-स्टेप एडजस्टेबल प्रीलोड मोनोशॉक सस्पेंशन का सेटअप मिलता है। तो सस्पेंशन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी यहाँ पर कंपनी जो है प्रोवाइड कर रखी है, एंड मेटल का पार्ट का यूज़ भी काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर हो रखा है। एंड फुटपैक्स अगर आप देखो तो ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पर कुछ ऐसे दे रखे हैं, लेकिन ब्लैक कलर के आपको अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं जो कि रबराइज भी ड्राइवर वाले रहने वाले हैं। एंड अब इसके सीट के बारे में बात करते हैं जो कि बाइक के अंदर मेन पार्ट होता है जिससे आपको कंफर्ट समझ में आता है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो पिलियन का स्पेस काफ़ी अच्छा है, एंड राइडर का भी स्पेस काफ़ी अच्छा है। काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की जो है सीट मिलती है। यहाँ पर स्ट्रिप दे रखी है जिसको पकड़ के आप आगे पीछे इसको कर सकते हो, एंड कुशन काफ़ी सही यहाँ पर आपको इसका मिल जाता है। तो ओवरऑल जो सीट है गुड है इसकी, जो कि आप देख सकते हो। इस तरफ से मैं अगर आपको दिखा दूँ आके इस तरफ क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो कुछ डिफरेंट तरीके का डिज़ाइन यहाँ पर आपको मिलता है इसके साड़ी गार्ड का, जो कि और बाइक को थोड़ा डिफरेंट है। एंड चैन सेट कवर भी थोड़ा डिफरेंट डिज़ाइन का यहाँ पर आपको मिलता है, जो कि कुछ थोड़ा सा अलग डिज़ाइन का आपको दे रखा है यहाँ पर रोनिन के अंदर में। बाकी वही चीज़ यहाँ पर आपको मिलती है, 5-speed गियर बॉक्स का जो है सिस्टम यहाँ पर आपको मिलेगा। एंड यहाँ पर भी थोड़ा सा क्रोम एंड TVS वगैरह लिखा हुआ मिलता है। साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ मिल जाता है। साथ ही साथ अगर बात करते हैं इंजन के बारे में कि कैसा यहाँ पर आपको इंजन मिलता है, यहाँ पर आपको इसके अंदर मिल जाता है 225.9 cc का एक ऑयल कूल्ड 4-stroke 4-valve सिंगल सिलेंडर SOS इंजन, जो कि आपका रिलीज करके देने वाला है 20.4 PS की पावर 19.93 Nm टॉर्क के साथ में। तो बाइक का जो पावर फिगर है ना अपने सेगमेंट को देखते हुए काफ़ी अच्छा है। एंड यहाँ पर आपको अगर देखो तो माइलेज जो है वो मिलने वाली है लगभग 40-42 km/h की, जो कि कंपनी क्लेम करती है। बाकी आपकी राइडिंग ऊपर में डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप बाइक को राइड कर रहे हैं। बाकी अगर आप देखो तो कुछ ये आपको प्रोफाइल इस तरफ से भी बाइक की पूरी मिल जाती है, जो कि आप यहाँ पर पूरी देख सकते हो। अब इसके मीटर कंसोल की तरफ आते हैं जहाँ से फीचर्स स्टार्ट होंगे। सबसे पहले आप इसकी बार हैंडल देखो, तो जैसा मैंने बताया कि क्रूजर टाइप की यहाँ पर आपको बार हैंडल मिलती है, कुछ इस तरीके से आप इसको राइड करोगे। एंड ये आपको पास से देखो आप तो मैट ब्लैक फिनिश के अंदर में मिलती है। स्विचेस हम लोग देख लें तो यहाँ पर आपको पासिंग का स्विच मिल जाएगा, इस तरफ हाई बीम लो बीम का स्विच मिल जाता है। एंड यहाँ पर आपको आई बटन मिलेगा जिससे आप स्विच करके इसके मीटर कंसोल के फीचर्स को चेकआउट कर पाओगे। बाकी यहाँ पर टर्न इंडिकेटर है, हॉर्न मिलता है, बाकी एडजस्टेबल लीवर्स हैं। यहाँ पर आपको स्लीपर असिस्ट क्लच मिल जाता है, इनको आप 3 times एडजस्ट भी कर सकते हो अपने कंफर्ट के हिसाब से। तो ये चीज़ें मतलब काफ़ी अच्छी लगती हैं बड़ी बाइकों में कि अपने कंफर्ट हिसाब से आप इसके क्लच के लीवर्स को एडजस्ट वगैरह कर सकते हो। यहाँ पर आपको मोड का स्विच मिलता है, यहाँ पर आपको मोड्स मिलते हैं अर्बन रेड स्पोर्ट करके, मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरफ इंजन की ले एंड एग्जॉस्ट का आपको यहाँ पर शेल्फ भी देखने को मिलता है। मैं आपको सुना दूंगा इसका एग्जॉस्ट साउंड। यहाँ पर USB एक पोर्ट मिल जाता है अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज करने के लिए, लेकिन अगर आप देखो ना तो ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आफ्टर मार्केट लगवा रखा हो, लेकिन इसको थोड़ा सा कहीं और प्लेसमेंट करते तो ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन ठीक है, ज़रूरत की चीज़ आपको दे रखी है जो कि काफ़ी सही चीज़ बन जाती है। बाकी अब मीटर अगर मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पर आपको राउंड शेप के अंदर में मीटर कंसोल मिलेगा, जो कि अगर आप देखो तो फुल डिजिटली रहने वाला है। यहाँ पर RPM मीटर, स्पीडोमीटर, एंड यहाँ पर आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के सारे फीचर्स मिलने वाले हैं। साथ ही मोड जो मैं कह रहा हूँ तो यहाँ पर अर्बन रेन करके 2 mode आपको मिलते हैं सिर्फ, अर्बन रेन जो कि इसके अंदर मिलेंगे। बाकी यहाँ पर TVS की ब्रांडिंग है। इस तरफ आपको लैप टाइमर मिल जाता है, एवरेज स्पीड देख सकते हो, डिजिटल क्लॉक मिल जाती है, फील गेज का ऑप्शन, ABS की लाइट, चेक इंजन, उसी के साथ में लो फील वार्निंग लाइट, गियर इंडिकेशन, चेक इन, और यहाँ पर आपको साइड मतलब यहाँ पर टर्न इंडिकेटर की जो लाइट्स हैं वो भी प्रॉपर मिलती है। बाकी ओडोमीटर एंड ट्रिप मीटर की रीडिंग को आप सेट कर सकते हो, यहाँ से भी आप सेट कर सकते हो ट्रिप मीटर एंड ओडोमीटर का। DET मिल जाता है, डिस्टेंस टू एम्प्टी वाला ऑप्शन भी दे रखा है। तो मतलब फीचर्स काफ़ी सही मिल जाते हैं, जितना आपको चाहिए उतना यहाँ पर इसके अंदर में फीचर्स मिल रहा है। अब हम लोग बात करते हैं मेन, यानी कितनी यहाँ पर आपको कंफर्ट मिलने वाला है इस बाइक के अंदर में। तो TVS रोनिन के अंदर में आपको मिल जाती है 795 mm की सीट हाइट, 795 mm की, जो कि आप यहाँ पर अगर देखो इस तरफ से तो काफ़ी सही यहाँ पर आपको जो है सीट हाइट मिलने वाली है।
तो काफ़ी सही यहाँ पर आपको सीट हाइट मिलने वाली है। अगर आपकी हाइट कम भी है तो भी इस बाइक को बड़े आराम से आप राइड कर सकते हो। और उसी के साथ में जो यहाँ पर पार्ट्स दे रखे हैं इसके, ज़्यादातर पार्ट यहाँ पर आपको मेटल के अंदर मिलते हैं, तो काफ़ी वजन भी यहाँ पर आपको मिलेगा। 160 kg इस बाइक का जो है ओवरऑल कर्व वेट मिलता है। एंड इससे नीचे वाले वेंट्स है ना, तो वहाँ पर आपको 159 kg कर्व वेट मिलता है। तो लगभग 1 kg का अंतर है, ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। बाकी अगर आप देखो तो ये कुछ है प्रोफाइल मिल रही है, काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में इस कलर के अंदर में ये बाइक। बाकी 181 mm की जो है आपको यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस भी मिल जाती है। तो ओवरऑल जो ये आपको ये स्पेशल एडिशन यहाँ पर मिल रहा है रॉलिंग के अंदर में, कैसा लगा नीचे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ प्राइसिंग से रिलेटेड बात कर लें तो इसका आपको जो एक्सशोरूम प्राइस है वो मिलने वाला है 1,72,700 rupees इसका आपको एक्सशोरूम प्राइस मिल जाता है, यानी कि 1,72,700 rupees। एंड लगभग ये कानपुर में आपको ऑन रोड कॉस्ट करने वाली है 2,05,000 rupees के अप्रॉक्स में। बाकी जो इसका कन्फर्म जो ऑन रोड प्राइस है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसको परचेस करना है तो आप विजिट कर सकते हैं सौरभ टीवीएस, जिसका पूरा एड्रेस आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप यहाँ से आके टीवीएस रॉनिन या फिर टीवीएस की लाइन में किसी भी बाइक को परचेस वगैरह कर सकते हैं। अब चलिए इसका एक एग्जॉस्ट का नोट सुन लेते हैं, जिससे आपको आइडिया लगेगा इसके अंदर में कैसा आपको एग्जॉस्ट का साउंड मिल जाता है। तो हम लोग ऑन करते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पर आप देखो तो कुछ ऐसा यहाँ पर आपको इसके अंदर में एग्जॉस्ट साउंड मिल जाता है। बाकी अगर आपको उसका एग्जॉस्ट साउंड कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सो दोस्तों कुछ ये इसको ओवरऑल वीडियो, अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।